तीन मेजर दिक्कत है भाई इस गाड़ी के अंदर। का डीएफ टैंक है वो काफी नीचे ऑफ रोडिंग में नीचे लगता है, पूरा चौक बेकार खत्म निकट्टू हो गया। लो जी इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ब्रेक ऑयल देखियो। जो चीज जिस टाइम पे खराब हो जाना भाई उसी टाइम आपको चेंज कर लेनी चाहिए, ये जो है ना वो इसको विरासत में मिला हुआ भाई, हर एक गाड़ी के अंदर है वो चीज, डेफिनेटली है भाई। हमारी गाड़ी में कोई एरर नहीं है क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है। ठीक है यार, ज्यादा ही बेइज्जती होगी, इतनी भी नहीं करनी चाहिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की एंजॉयमेंट हो रही है भाई हमारी स्कॉर्पियो की, एंजॉयमेंट तो इसकी होती रहती है। लास्ट व्लॉग में भी एंजॉयमेंट करके आई थी, ऑफ रोडिंग करके आई है भाई। अगर आपने नहीं देखा वीडियो जाके देख लो कैसा परफॉर्म किया इसने। इसके 4x4 का जो लो है ना उसने तो भाई साहब मेरी नाक कटवा के रख रखी है, हर जगह काम ही नहीं करके देता यार लो में तो बड़े तरीके से। पता नहीं क्या चक्कर है इसके 4x4 लो में। देखो डिफरेंशियल लॉक नहीं है इसके 4x4 लो में, ये मैं मानता हूँ, लेकिन पता नहीं जहाँ आनी चाहिए पावर यार वो आ ही नहीं रही है, मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है यार, ज्यादा ही बेइज्जती होगी, इतनी भी नहीं करनी चाहिए है ना, कहीं नाराज हो जाऊंगी, फिर देखूंगी क्या करेगा, फिर मेरा काम चलाएगा, फिर दूसरी लेनी पड़ेगी भाई। ऐसा मैं तो सच बोलता हूँ, चाहे वो मेरी गाड़ी है, चाहे वो दूसरी गाड़ी, चाहे किसी की भी गाड़ी है, जो है वो है भाई, फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। और ये भाई खाली Z4 वाले 4x4 के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि Z8 और Z8L के अंदर भाई डिफरेंशियल लॉक आता है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आज हम जा रहे हैं भाई गाड़ी की सर्विस कराने। हाँ जी, ये गाड़ी चल गई है 9510 किलोमीटर चल गई हमारी गाड़ी। मेरे हिसाब से तो भाई ये पहली सर्विस है क्योंकि तो इसी में तेल पानी सब कुछ चेंज होएगा। तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या अपनी कॉस्ट आएगी, क्या कुछ दिक्कत है अपनी गाड़ी में, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगी जाएंगी। फटाफट पहुंच जाते हैं भाई महिंद्रा की वर्कशॉप में। वैसे मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे महिंद्रा की वर्कशॉप है। पहुंच गए जी हम DM महिंद्रा, चेक करवा देते हैं भाई आपको DM महिंद्रा वालों की सर्विस कैसी है। वैसे देखो मैंने अपॉइंटमेंट जो लिया था वो लिया था भाई आफ्टरनून का, लंच के बाद का ही लिया था। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितनी देर लगती है। अभी टाइम हो गया भाई 3:15 बज गए हैं। फोन करवा रहे हैं अपनी गाड़ी का जॉब कार्ड ओपन एंड बताएंगे छोटी मोटी कंप्लेंट्स। अनुराग बाबू आज हमारा जॉब कार्ड ओपन करेंगे, है अनुराग बाबू? एंड भाई इसमें नंबर भी हमने अपडेट करवा दिया है अपनी गाड़ी का। अनुराग बाबू पूछ रहे सर अभी तक नंबर नहीं अपनी गाड़ी का, नंबर आ गया भाई HR07Z0017। पहले भी मैंने आप सबको बता दिया था कि अपना ये नंबर आ गया, अब आ गया। लगाऊंगा किस दिन, ये वो दिन मैंने आपको बताया था ना, वो दिन एक स्पेशल दिन होगा, उस दिन लगाएंगे। इसमें ये भाई गाड़ी कंप्लेंट लिखवाने की, ट्रिप ए ट्रिप भी लिखो जीरो हो जाता है, स्टेयरिंग की लिख दो, सस्पेंशन की लिख दो, ब्रेक की लिख दो, सारी लिख दो भाई, जो कमियां होंगी वही लिखवाई जाएंगी। जबरदस्ती ऐसे कोई कमी हमारे को लिखवाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाएंगे अपना टेक्नीशियन बढ़िया से चेक करेगा, बाद में ट्रायल भी होगी भी, लेकिन एक दो चीजें हैं वो मैं वहीं को बताऊंगा अभी टेक्नीशियन को। अनुराग बाबू को मैंने वो लिखवा दी, ये दो तो है, ट्रिप पे ट्रिप भी वाली है, ब्रेक बिल्कुल ठीक है, सस्पेंशन बिल्कुल ठीक है, और एक आधी छोटी मोटी है वो भाई। एक चीज ना मेरे को बहुत अच्छी लगी, आज की डेट में जब आपका जॉब कार्ड ओपन होता है, आपका नहीं आपकी गाड़ी का जब जॉब कार्ड ओपन होता है उसके बाद जो जो आपने कंप्लेंट लिखवाई है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस रहेगा भाई, इसका अप्रूवल आपको देना है। आप पहले उसको चेक करो, फिर टिक मार्क करो, फिर आप उसको अप्रूव टैप करो, फिर आपको 4 नंबर का OTP आएगा एंड देन फिर उसके बाद गाड़ी भाई साहब बे पे आएगी। बहुत बढ़िया भाई, महिंद्रा सुधर रहा है, पहले वॉशिंग होगी आज? नहीं मेरे को वॉशिंग नहीं करानी, मेरी गाड़ी कल तो वॉश हुई है, लिफ्ट लगाओ सीधा भाई। हाफ एन आवर हमने वेट किया एंड उसके बाद अपनी गाड़ी लग रही है भाई बे पे। वेट इसलिए करना पड़ा भाई मेरे को वॉशिंग करवानी नहीं थी, कल ही मैंने गाड़ी को वॉश कराया था तो मैं भाई वॉश नहीं कराऊंगा, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे एंड देन फिर अब गाड़ी हमारी बे पे लगेगी, अब गाड़ी की सर्विस स्टार्ट होगी। देखो कितने सारे DF हैं, बहुत ज्यादा DF चलता है भाई आजकल गाड़ी में। खैर अपनी गाड़ी में अभी भी काफी परसेंटेज DF बचा हुआ है, आई थिंक 25% के आसपास ना DF इस गाड़ी के अंदर बचा हुआ है, लेकिन आज हम इसको ना 100% टॉप अप कराएंगे। इस सर्विस में ना इसके सारे काम कराऊंगा भाई, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद गाड़ी को भाई बहुत ज्यादा किलोमीटर कवर कर रहे हैं ना, ये भी तो ट्रिप पे जाएगी, इसका मन नहीं करता ट्रिप पे जाने का है, तो ये भी ट्रिप पे जाएगी भाई। तो भाई सबसे पहले अपने गाड़ी के टायर खोले जा रहे हैं, चेक किए जाएंगे इस गाड़ी के ब्रेक पैड बोले तो डिस्क पैड चेक करेंगे, तो भाई डिस्क प्लेट भी एक बार चेक कर लेगा, तो एक बार खोल के उतारने देते हैं फिर पूछते हैं भाई से कि डिस्क प्लेट कैसी है। वैसे उधर वाली तो बिल्कुल चंगी है। हाँ अमरीश भाई, डिस्क प्लेट देख कैसी है? बिल्कुल सही है सर, सही है, टमाटर है, बिल्कुल टमाटर, ब्रेक पैड भी आपके सही है, सही है। चलो एक बार धो के फिर भी ये मिट्टी से लगी हुई दिख रही है मुझे यार, कल वाली गई थी, एक बार खोल के फिर साफ कर दिया है। ठीक है, हमारी गाड़ी का ऑयल फिल्टर जो गाड़ी का इंजन ऑयल होता है ना भाई उसको फिल्टर करता है, ये कैसा काला हो रखा है, ये पूरा खत्म हो रखा है, तो पूरा चौक बेकार खत्म निकट्टू हो गया। अब डलेगा ये वाला भाई, नया एयर फिल्टर डलेगा, एयर नहीं ऑयल फिल्टर, ये गत्ते वाला आ गया ना, पहले दूसरे होते थे भाई वो, अब तो यही आते हैं आजकल, यही चलते हैं। कॉस्टिंग क्या है भाई इस ऑयल फिल्टर की? इस पे तो लिखा हुआ है 236 रुपये। वैसे कंप्लीट कॉस्टिंग मैं आपको बता दूंगा भाई, कंप्लीट सारी सर्विस में हमारी क्या कॉस्टिंग आई, कौन सा पार्ट कितने का डला, क्या क्या डला, सब कुछ। लो जी अब गाड़ी को दोबारा से हमने ऊपर उठा दिया,
यहाँ से निकलेगा भाई इसका इंजन ऑयल, ये रहा नट, एंड भाई बाकी देख लो गाड़ी कैसी है। कल धुलवा तो ली थी मैंने ऑफरोडिंग के बाद, कहीं कुछ मिट्टी विट्टी तो नहीं अटकी हुई, कहीं कुछ ख़राब नहीं हो रखा कहीं। ये देखो डीएफ का बोलते हैं काफ़ी लोग कि जो इसका डीएफ टैंक है वो काफ़ी नीचे ऑफरोडिंग में नीचे लगता है, तो भाई कहीं से भी नहीं लगा हुआ, कोई स्क्रैच नहीं है भाई इसके ऊपर, बिल्कुल ओके है, ठीक है। बाकी तो पीछे तो हमारा टायर बचा लेता है मोस्टली, हल्का फुल्का जो मिट्टी उट्टी होती है वैसी वाली ऑफरोडिंग हम करते नहीं ना भाई, पर वो वाली भी करेंगे यार एक दिन ना, स्लश वाली, जो स्लश में होती है ना मिट्टी कीचड़ में जो होती है वो वाली ऑफरोडिंग भी करने से लगे है ना इसमें, और टेस्ट करेंगे इसको, फिर देखेंगे इसका लो काम करेगा नहीं। वैसे इसकी जो दिक्कत है प्रॉब्लम, तीन मेजर दिक्कत है भाई इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहली जेड फोर की दिक्कत है कि इसका ट्रिप ए ट्रिप भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। स्टेयरिंग का जो प्ले, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई स्टेयरिंग के प्ले के बारे में आप बात नहीं करते, भाई इसके स्टेयरिंग के प्ले जो है ना वो इसको विरासत में मिला हुआ भाई, हर एक गाड़ी के अंदर है वो चीज़, डेफिनेटली है भाई हर एक गाड़ी के अंदर। करना क्या है, माइंड थोड़ा ठीक करना है, तो उसको लूज करके फिर टाइट करके दे देंगे आपको एजेंसी वाले, पर वो होगा कुछ नहीं, वो रहेगा ऐसे का ऐसे ही। हाँ भाई कैसा तेल निकला? काला। तेल तो काला ही निकलता भाई डीजल वाली गाड़ी में, तो भाई तुरंत तेल डाल दो तुरंत काला हो जाएगा, हैं पेट्रोल गाड़ी थोड़ी ना ये, बस थोड़ी सी मिट्टी यहाँ लगी रहेगी भाई। कोई नहीं, मैं इसको घर में ना खड़ी करके फिर इसको अच्छे से धोऊंगा। भाई अमरीश इसके एक्सल के जितने भी नट वट है ना सारी गाड़ी को नीचे से ना फुल टाइट हाथ मार दियो, ठीक है, क्योंकि भाई इसके एक्सल वगैरह की लूज होने का थोड़ा सा मैंने सुना है कहीं उसमें आ जाती है दिक्कत छोटी मोटी, तो वो अपन इसको ठीक करा लेंगे। बाकी तो ओवरऑल गाड़ी सारी नीचे से ठीक ही लग रही है। और भाई ये है अपना स्कॉर्पियन का ट्रांसफर केस, ट्रांसफर केस बोले तो भाई इसका 4x4 का मैकेनिज्म जो होता है, एंड ये है मेन इसका मेन गियर बॉक्स है ये, एंड यहाँ से ये चेंज होता है जब हम ऊपर से शिफ्ट ऑन फ्लाई करते हैं ना 2H 4H 4L, यहाँ से होता है। खैर 4L तो इसका किसी काम का है ही नहीं भाई, मतलब लूज हुए नहीं है। हाँ चलो भाई, वैसे तो लॉक के लिए नहीं दे रखी है भाई महिंद्रा ने ना, लॉक पत्ती दे रखी है लास्ट में के लूज ना हो। तो भाई एक बार ना इस गाड़ी का सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं, कि काफी लोगों ने सुना भाई सस्पेंशन भाई मारी का तो बिल्कुल ठीक है। अमरीश कोई लीक तो नहीं है? ना कोई लीक नहीं, गैस वाले तो है नहीं इसके अंदर, ऑयल फिल्ड ही है। तो भाई ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है, ये तो भाई थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई होती है, ऑयल होता है ना साथ में, चलो लीक नहीं होना चाहिए भाई। दिक्कत आपको बताता हूँ भाई, जो है वो जिसका 4x4 का लो है ना वो इसका ढंग से काम नहीं करता, वो इसका नहीं है, वो बहुत सी गाड़ी में दिक्कत है, और जिसका मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली 4x2 से 4x4 4x4 से 4x2 ऐसे हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम, ये तीन चार समस्याएं हैं भाई जो बिल्कुल ना पेट हो रखी है हर Z4 के अंदर है। जो स्टेयरिंग वाले ना वो तो सारे वेरियंट्स में है भाई कम्प्लीटली है। और ये भाई अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डलने की, तो इंजन ऑयल जो अपनी गाड़ी में डलेगा वो डलेगा भाई नेक्स्ट जेन अल्ट्रा डलेगा भाई अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अल्ट्रा की भाई, लेकिन ये BS6 का है भाई इंजन ऑयल। तो महिंद्रा ने अब रेकमेंड किया है कि अब जितनी भी गाड़ियां हैं सब BS6 वालों में आपको यही डालना है। वैसे ये नॉन सिंथेटिक अगर आप डाल देंगे इंडिया के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉन सिंथेटिक डाल सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन भाई महिंद्रा ये रेकमेंड करता है, अगर आप रेकमेंड वाला नहीं डालोगे तो भाई वारंटी हो जाएगी वॉइड। सिंथेटिक ऑयल डालने में कोई बुराई नहीं है यार, सिंथेटिक ऑयल डाल लो, मोस्टली हम लोग डालते हैं सिंथेटिक ऑयल अपनी गाड़ियों में, जरूरत नहीं होती, हम इंडियंस को आदत होती है ना, अरे ये वाला महंगा ये बढ़िया ये डाल दे भाई हमारी गाड़ी में, तो होता है ना हमारे ऐसे ही। हाँ तो लोगों में ये चीज़ होती है, तो कंपनी ने भी बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया एक बना दिया BS6 के लिए, तो भाई चीज़ में थोड़ा बहुत ही फर्क है। एक्सट्रीम टेम्परेचर में अगर हम रहते हो ना बिल्कुल ठंडे वाले में, वहाँ जरूरत पड़ती है भाई, माइनस का टेम्परेचर होता है जहाँ पे, वहाँ वो चलता है सिंथेटिक वाला, इंडिया में तो नॉर्मल चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं इसके रेट में उसके रेट में खास फर्क भी नहीं है, तो हम तो यही डलवा लेंगे, 6 लीटर डलेगा भाई इसमें। रेट चेक करें तो भाई ग्रेड इसके ऊपर महिंद्रा ने कहीं लिख नहीं रखा भाई, वैसे 5W40 होता है ना, 5W30 या 5W40 होता है, हाँ वही होता है सिंथेटिक वाला, पर कोई बात नहीं भाई, अब महिंद्रा ने अपन ले रहे हैं इसके ऊपर रेट है भाई 2744 457 रुपये लीटर है ये। अब भाई डिस्क ग्राइंडिंग मशीन ऐसी आ गई एजेंसियों में, लो दिक्कत आए और तुरंत डिस्क ग्राइंडिंग मार दो, है कहीं बाहर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। और लो बारी आ गई हमारी गाड़ी के एयर फिल्टर की भाई, देखते हैं एयर फिल्टर की हालत कैसी मिलेगी। इस एयर फिल्टर के रहते रहते हमने कम से कम 4 से 5 बार तो ऑफ रोडिंग कर ली भाई, मैं कहा 3 या 4 बार तो मैंने आपको वीडियो में दिखा ली होगी ऑफ रोडिंग करते हुए, और बर्फ़ में तो खैर क्या, इसके अंदर धूल जाएगी, धूल तो अब जाएगी और जहाँ ही अब जाएगी। ये निकला भाई गाड़ी का एयर फिल्टर, अंदर देखूँगा इस क्या है लोकेशन, मिट्टी मिट्टी पूरी मिट्टी है, अरे वाह अरे वाह पूरी मिट्टी, एक बार इसको झड़का के दिखाइयो अमरीश, देखूँ क्या कुछ है इसके अंदर, यहाँ ले आइयो ले आइयो ले आइयो, लगा 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 ए आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया चेंज होने वाली पोजीशन, तो चेंज ही तो करेंगे हमें। तो भाई मोस्टली जो हमारा एयर फिल्टर होता है 20,000 रुपये, हाँ हाँ बहुत धूल होगी,
तो भाई 10,000 रुपए चेंज करा देंगे हम तो अपना एयर फिल्टर। जो चीज जिस टाइम पे खराब हो जाना भाई उसी टाइम आपको चेंज कर लेनी चाहिए। ये तो होता है गाड़ी के अंदर पार्ट्स किस लिए जाते हैं, अगर वो पार्ट में दिक्कत है तो आप उस पार्ट को चेंज कर दो ताकि वो बाकी चीजों पर दिक्कत ना कर पाए। अब एयर फिल्टर खराब होगा या चौक होगा तो सांस कैसे लेगी गाड़ी, सांस ले तो ढंग से चल नहीं पाएगी ना, पिकअप बनेगा ना, कुछ नहीं, मजा आएगा आपको। अगला भाई ताजा ताजा हमारा एयर फिल्टर देखो, बिल्कुल नवा है नी, अब नया है तो नया ही होगा ना भाई। डाल दे भाई, ये मिट्टी में ज्यादा घुमाई है इसलिए 10,000 रुपए चेंज करना पड़ा, नहीं तो 20,000 किलोमीटर चलता ही है ना। लो जी इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ब्रेक ऑयल देखियो, ब्रेक ऑयल ओके है, ओके है पूरा है, बिल्कुल है, कूलेंट तो यहीं से दिख रहा है, कूलेंट तो पूरा ही है, मैं डाल देता अभी, पूरा नहीं होता। हाँ हाँ ना, ब्रेक ऑयल तो पूरा है, और क्या रह गया, कूलेंट हो गया ओके, कूलेंट भी ओके है, वाइपर का पानी मैंने कल ही चेक किया था, फ्लूइड कल इसका पावर आया, मेरी पावर स्टीयरिंग वाली इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर है भाई, सच्ची में मैं भी यार ढक्कन हो गया यार, ऑयल डालूंगा, पावर स्टीयरिंग ऑयल हाइड्रोलिक में होता है भाई, पावर स्टीयरिंग ऑयल इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है ना इसके अंदर, जो Z4 मैनुअल आती है ना उसके अंदर होता है हाइड्रोलिक वाला, उसके अंदर ऑयल डलता है। तो भाई अपना है जो डिस्क पैड है ना, एक इस डिस्क पैड में से इतना कचरा मिला है जितना बाकी तीनों में नहीं मिला है अमरीश, इसमें कुछ ज्यादा ही था है ना, 15 लीटर डलेगा ना, 20 लीटर का इसका। हाँ तो भाई हमारी गाड़ी के अंदर जो DF है भाई वो अभी 26% बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट मान लो 25% बचा हुआ है, तो 75% डलना है, तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी के अंदर डलेगा भाई 15 लीटर DF डलेगा इसके अंदर। कंप्लीट 1 लीटर की एवरेज निकालूं इसकी तो भाई इसने 15 लीटर पी लिया 10,000 किलोमीटर पे, तो अराउंड 650 किलोमीटर पे 1 लीटर ये DF लेते। आगे वाले ब्रेक पैड में ज्यादा कचरा होता है, ये लाइन भी है ना, इस लाइन के अंदर भी तो भर जाता है, पीछे वाले छोटे हैं, इन लाइन के अंदर भर जाता है ना। अभी अपने ब्रेक पैड कितने घिस गए, 100 में से 20% घिसे हैं, तो 5 बार घिसेगा तो ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर तक चलेंगे अपने हैं, अगर इसी हिसाब से चली तो चलो ठीक है यार, 50,000 किलोमीटर तक डिस्क पैड चल जाए तो बते रहे हैं यार। तो भाई मशीन से तो चेक हो ही जाते हैं, उसके बाद एक बार हाथ से चेक करना जरूरी है, प्रॉपर हाथ से चेक हो जाए टॉर्क से, वैसे टॉर्क होता है पर भाइयों को रोज याद रहती है कि कितने पे टाइट होता है, जैसे हम भी कभी टायर चेंज करते, खैर अब तो यार बहुत साल हो गए टायर चेंज किए, अब तो सारे ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, टायर इन्फ्लेटर आता है साथ में तो हम अपनी गाड़ी में रखते ही हैं, तो रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं भाई चेंज करने की, बाकी तो कभी जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो हो ही लगता है भाई। ले भाई अमरीश दिखा भाई, ओके है यहाँ तक होना चाहिए ना, ये है ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, यहाँ तक आ रहा है ठीक है, थोड़ा सा डाल दे। ज्यादा नहीं डालना चाहिए भाई, जितना जरूरत हो उतना ही, गाड़ी को वो नहीं है कि भाई कोई नहीं डाल दो थोड़ा और डाल दो, वो काम नहीं है गाड़ी का, उतना ही है कि बस जितनी जरूरत है उतनी सारी चीज देते रहो टाइम पे, चीज की अधिकता हानिकारक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, इसलिए हाँ डेंजरस। हाँ अपनी गाड़ी की भाई बिल्कुल चेक है, थ्रो बहुत बढ़िया आ रहा है, ऑलरेडी हमारी गाड़ी में जूम लगे भाई, तो हमारे को दिक्कत है ही नहीं इस चीज की, फोग लैंप का भी बिल्कुल ओके। एंड अब काफी भाई मुझसे पूछते हैं कि विक्रम भाई आपकी गाड़ी में कॉर्निंग लैंप है, तो भाई स्कॉर्पियो एन के अंदर भाई कॉर्निंग लैंप का फीचर नहीं आता भाई, चाहे वो Z8 हो Z8L हो या बाद में लगवाया गया फोग लैंप हो भाई, तो इसके अंदर आपको कॉर्निंग लाइट का फीचर नहीं मिलता, आपको मिलता है XUV700 के अंदर। लो जी अब डलेगा हमारी गाड़ी के अंदर DF, तो बाल्टी पूरी आएगी, आगे वाली बाल्टी 5-6 लीटर आएगा जो भी आएगा ना। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपकी गाड़ी में DF डल रहा हो ना, आपकी गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन नहीं होना चाहिए, जी हाँ ऑफ होना चाहिए, एंड बाद में जब ये डल जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप स्विच को ऑन करना, एंड 2 मिनट तक ऑन करके रखना, तब वो एक्यूरेट दिखाएगा आपका, अदरवाइज तो वो एरर ही दिखाएगा, फिर आपको लैपटॉप लगवाना पड़ेगा। अगले 5 लीटर की बारी, अब 5 आएगा 6 आएगा 5.5 आएगा, अब यहाँ से निकलने लग जाएगा फिर ये है भाई, मेरे में मत जोड़ना, ये तुम्हारा बर्बाद किया हुआ, उसके पैसे नहीं दूंगा मैं फालतू के, हाँ मैं 15 की दूंगा। ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी में 15 लीटर आया, पर जो भाई DF थोड़ा बहुत गिर जाता है ना इसमें, तुरंत पानी मार के कपड़ा लगवा देते, वाइट वाइट हो जाएगा। ले आ भाई पानी, हाँ ये कैनी बनाई इसलिए रखी तुमने ना, डाल दे भाई डाल दे, अच्छे से डाल दे, स्टाफ तो समझदार है तुम्हारा सारा, कुछ तो हो गया गाड़ी में, कुछ बचा है एक चीज, अरे हाँ ये रहा AC फिल्टर बचा है भाई गाड़ी में लगना भाई, AC फिल्टर और लगेगा अभी, तो ये भाई अपना पुराना AC फिल्टर है, ओ तेरा भला हो जाए फुल डस्ट यार, मैं बाहर वाला रीसर्कुलेशन तो बंद रखता हूँ फिर भी डस्ट आती कहाँ से है ये। हम रेस कह रहा बहुत हो गया, हमारा छुट्टी का टाइम हो रहा है, हमको जाना है। एक बाबू आए भाई देखो इस ट्रिप पे, ट्रिप भी का कुछ कर दें तो इलाज करेगा, कुछ बना पाएगा, आया कुछ अपडेट आया है हमारी गाड़ी में, कोई एरर नहीं है क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं है, सच्चा ये है कि अपडेट नहीं है, एरर तो है भाई गाड़ी में, ट्रिप पे ट्रिप भी जीरो हो रहा है, 4x4 का लो अच्छे से काम करता नहीं है, एरर क्यों नहीं है भाई गाड़ी में, एरर तो है, R&D कब तक कम्प्लीट होगी महिंद्रा की, मैंने ये तो बता दो हो जाएगी है,
कोई कंप्लेंट डालने तो वो बता दो भाई, मैं कंप्लेंट डाल दूं। तेन से एक मेल आईडी पूछता हूँ भाई, आज मैं कंप्लेंट डालता हूँ, रिटर्न में भेजते हैं भाई, नोटिस वोटिस भेजते हैं बढ़िया वाला महिंद्रा को। और भाई महिंद्रा अगर वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ भाई, अगर आपकी आरएनडी चल रही है तो प्लीज़ उस आरएनडी को फटाफट ख़त्म करो। और जो समस्या आ रही है क्योंकि Z4 बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई, Z6 भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो Z6 में तो आपका ये 4x4 वाला सिस्टम है नहीं, Z4 में, Z8 में, Z8L में, Z8 और Z8L में दिक्कत है क्योंकि उनका 4x4 का मैकेनिज्म ही अलग है। ट्रिप्पी वाली समस्या सबसे ज़्यादा Z4 के अंदर है क्योंकि Z6 से तो एड्रेनोक स्टार्ट हो जाता है। जी गड्डी की सर्विस हो गई है भाई, वॉशिंग मैंने कराई नहीं क्योंकि कल ही मैंने वॉशिंग कराई थी, ये वॉशिंग अपनी कभी आते आते हुए करवा लेंगे। गाड़ी का बिल हो गया है, बिल बना अपना भाई 5520 रुपए का, 5530 रुपए का भाई। छुट्टी होगी, यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ। तो भाई अपना बिल गाड़ी में रखा है, कौन सा पार्ट कितने का डाला, कौन कौन से पार्ट डाले बताते हैं। और जो समस्या थी भाई हमारी महिंद्रा के अंदर, उनमें से भाई आज भी वो तीन बरकरार है, कोई नहीं सॉर्ट आउट ही नहीं क्योंकि उनका समस्या का समाधान निकाल नहीं रहा महिंद्रा। अरे महिंद्रा गाड़ी इतनी अच्छी बनाते यार, थोड़ा सा आरएनडी पे प्लीज़ ध्यान दे लो यार, प्लीज़ दे लो। एंड जो समस्या आती है कस्टमर को भाई, प्लीज़ उसका समाधान करा दो यार, बस मैं तो यही कहूँगा। अभी गाड़ी आपकी नोट बहुत अच्छी है, अब इस मामले में भाई तुम बायस कह लो या तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्यार कह लो महिंद्रा के लिए, ये कह सकते हो। बाकी भाई चलो जो भी है, हो गई रात, सर्विस स्टेशन इतना दूर नहीं है भाई, वैसे मैं कहीं काम चल गया। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि अपनी गाड़ी पे कितनी कॉस्टिंग आई है, 5529 रुपीज, 5529 रुपए लगे हैं। एंड इसमें चेंज क्या क्या हुआ है, हमारा ऑयल फिल्टर का एक रिंग लगता है ना जो हम खोलते हैं नीचे से, तो रिंग हमेशा नया लगाना चाहिए ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए, वो फिर एक बार से पतला हो जाता है ना, ज्यादा टाइट करते हैं तो लीक के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए वो हमेशा चेंज करवाना चाहिए आपको। इसके अंदर लगा है भाई हमारा 6 लीटर डला इसके अंदर इंजन ऑयल, एंड एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर 15 लीटर इसके अंदर डीएफ डला है, एंड बस वॉशर सीलिंग वगैरह ये सब हो गए, कुल मिला के 4722 रुपए का ये है। एंड टैक्सेबल अमाउंट है इसकी 403, टोटल कुल मिला के ये बनता था भाई अपना 5529 रुपए का, जो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए प्राइस भाई बिल्कुल जस्टिफाई करता है। कोई ऐसा मतलब ज्यादा प्राइस मुझे नहीं लगा कि भाई इस गाड़ी में इतना ज्यादा लगे, नॉर्मल सर्विसिंग थी इसमें, हमारे नॉर्मल सारे पार्ट चेंज, जो कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं डला है। क्या है वो तीन चीजों की है भाई, वो मैंने आपको बताई दी, एक इसका ट्रिप ए ट्रिप बी वो जीरो हो जाता है, जिसका 4x4 का मैकेनिज्म है लो का है वो प्रॉपर अपने काम नहीं करता। अब काफी भाई कहेंगे विक्रम भाई ये टायर्स के कारण है भाई, 4x4 हाई के टाइम भी तो वही टायर्स होते हैं, तो लो में टायर दूसरे डाल दो, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, 4x4 हाई और 4x4 लो में सेम टायर पे सेम काम करना चाहिए। भाई जो समस्या है इसका समाधान महिंद्रा भी कर रहा है, मैंने बात की है कि हाँ सर इसके ऊपर थोड़ी सी आरएनडी चल रही है। आरएनडी क्या है कि Z4 के अंदर भाई बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है इस चीज को लेके, जो ट्रिप ए ट्रिप भी है और जो 4x4 है उनके इसके मॉड्यूल के अंदर, इवन जो ये स्विच है ये स्विच भी भाई ऑटोमेटिकली 4x2 पे या 4x4 पे अपने आप से चला जाता है, तो ये दिक्कत चल रही है और महिंद्रा को ये दिक्कत पता है, क्लियरली पता है। एक बार हमारा तो ये मॉड्यूल चेंज हो चुका है, पहले ही करवा चुका हूँ मैं इसको, तो देखो महिंद्रा इसका जल्दी से कोई इलाज ढूंढ दे। तो बाकी देखो ट्रिप ए ट्रिप भी जीरो हो जाता है, मैं फिर मेन मीटर को देख के चलना पड़ता है ना, जैसे मैं कई बार टैंक फुल कराता हूँ तो ट्रिप ए को जीरो कर देता हूँ, डेली कम्यूट के लिए मैं ट्रिप बी को जीरो करता हूँ, आज मैंने इतने किलोमीटर गाड़ी चलाई। तो आप कहीं ट्रिप पे भी जाते हो तो आप उसे ट्रिप ए ट्रिप बी से कैलकुलेट करते हो, और भाई हमारी गाड़ी भी ट्रिप पे जा रही है, तभी तो सर्विस कराई मैंने इसकी, 10,000 किलोमीटर होने भी 500 की कमी थी, लेकिन मेरे को ये था कि 2-3 दिन बाद मुझे टाइम मिलेगा नहीं, फिर मुझे ट्रिप की प्लानिंग करनी है एंड फिर भाई जाना है हमारे को इसके लॉन्ग ट्रिप पे लेके। तो अभी बहुत सारा फन करेंगे हम इस गाड़ी के साथ साथ, साथ आपको ऑटोमोटिव की जानकारी तो हम देते ही रहेंगे। आपको लग रहा हो काफी दिन से भाई महिंद्रा महिंद्रा हो रहा है, और भाई मैं महिंद्रा के लिए कोई बायस नहीं हूं, जो अपनी पुरानी ऑटोमोटिव फैमिली है मतलब जो पुराने टाइम से अपने साथ जुड़े हैं उन सबको पता है कि विक्रम भाई झूठ नहीं बोलता, अगर अपनी गाड़ी में कमी आई तो कमी भी बताएगा, अपनी गाड़ी सही होगी तो सही भी बताएगा, एंड किसी और गाड़ी के लिए आप पूछेंगे तो वो भी बताऊंगा भाई, मैं आपको सारी डिटेल देंगे। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड कल हम कहीं बाहर जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, कहाँ जा रहे हैं, बाइक की गाड़ी में टायर्स डलने के लिए जा रहे हैं। अब कौन से बाइक है गैस करके बताओ, बहुत दिनों से डलने हैं बाकी उनकी गाड़ी में, काफी दिन से बात चल रही थी, अब समझ गए होगे, नहीं समझे इतना बता देता हूँ, बस लेजेंडर के अंदर डलने हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।